कुंडलिनी शक्ति को अगर सही से जागृत करना हो तो उसके लिए किसी भी इंसान के सातों चक्रों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का स्थान मूलाधार चक्र पर ही होता है, जिससे ऊपर उठकर यह बाकी के चक्रों से होती हुई गुजरती है और सारे चक्रों को एक्टिवेट करते हुए इंसान के दिमाग की सारी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है और फिर उसका संबंध डिवाइन से करा देती है, जिसके बाद इंसान में पूरी तरह से चेंज कर देती है और किसी इंसान का इस दुनिया को देखने का, सोचने का, समझने का तरीका पूरी तरह से डिवाइन ही हो जाता है। और उस समय इंसान इस दुनिया के और अपने बहुत से कीमती रहस्य जान जाता है और उसके सारे दिमाग की डर, वहम, चिंताएं सब कुछ मिट जाती है। इसलिए अब अगर अपने सातों चक्रों को एक साथ बैलेंस करने की कुछ कीमती टेक्निक्स की बात करें तो जिसमें सबसे पहली टेक्निक सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए सबसे कीमती है, उसको मैं टॉर्च मेडिटेशन का नाम देना पसंद करूंगा, जो सबसे पहले आपकी कुंडलिनी शक्ति को रास्ता दिखाने का भी काम करेगी। और इसको करने के लिए आपको अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठना होता है और आपको आंखें बंद करके कल्पना करनी होती है कि आपके मूलाधार चक्र से एक लाइट ऐसे ही निकल रही है जैसे किसी टॉर्च से निकलती है और ये लाइट आपके मूलाधार चक्र से निकलकर बाकी के सारे चक्रों से होते हुए गुजरती हुई आपके आखिरी चक्र सहस्रार चक्र से होती हुई आसमान की ओर जा रही है। और जब आप ऐसी कल्पना करते हैं तो जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी और आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगी तो आपकी इसी कल्पना की वजह से आपकी एनर्जी इसी रास्ते से ऊपर की ओर जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति हर चक्र को एक्टिव और बैलेंस करते हुए ही ऊपर पहुंचेगी। और अब बात करते हैं आपके दूसरे टास्क की या दूसरी टेक्निक की कि जब आप अपनी एनर्जी के लिए रास्ता टॉर्च मेडिटेशन से तय कर चुके होते हो तो तब आपको जरूरत पड़ेगी अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करने की। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वह यह है कि आप कम से कम 10 मिनट तक जितनी गहरी सांसें ले सकते हैं लीजिए और सांस को छोड़ते वक्त भी अपने शरीर से पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। और इसको आप लगातार एक बार में कम से कम 10 मिनट तक कीजिए और ऐसा आप 2 या 3 बार कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि आपकी तीनों नाड़ी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगी, जो आपके सातों चक्रों को बैलेंस तो करेगी साथ ही आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी मदद करेगी। और चलिए अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, जिसमें आपको अपना ध्यान अपनी तीसरी आंख की जगह पर आंख बंद करके फोकस करना होता है, जिसकी बदौलत आपकी एनर्जी इस जगह पर स्थित छठे चक्र तक बहने लगती है, जिसकी बदौलत आप इस चक्र पर एक खास तरह का खालीपन पैदा कर देते हो, जिसकी बदौलत आपकी एनर्जी इस चक्र की ओर दौड़ने लगती है और इसी की बदौलत आपके बाकी के चक्र भी बैलेंस होने लगते हैं। और जब आप इसको अगर ज्यादा दिनों तक करते ही जाते हो तो आपके सारे चक्र आपकी एनर्जी के द्वारा पूरी तरह से बैलेंस कर दिए जाते हैं और इस छठे चक्र के बैलेंस होते ही आपका सातवां चक्र भी खुद पे खुद बैलेंस होने लगता है और आपको बहुत से डिवाइन अनुभव होने लगते हैं। और चलिए अब बात करते हैं चौथी टेक्निक की, जिसमें आपको ओम का उच्चारण करना होता है, जिसकी बदौलत भी आपके शरीर में बहुत से पॉजिटिव चेंज होने लगते हैं, क्योंकि ओम कोई साधारण शब्दों से मिलकर बना शब्द नहीं है, बल्कि ओम के तीनों अक्षर आपकी तीनों नाड़ियों से जुड़े हैं, जो कि आपकी तीनों नाड़ियों को एक साथ बैलेंस और एक्टिव करने का काम करते हैं। इसलिए जब भी कोई ओम का उच्चारण लगातार काफी दिनों तक करता जाता है तो उसके सातों चक्र एक्टिव और बैलेंस तो हो ही जाते हैं, साथ ही इसकी पूरी संभावना बन जाती है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। और चलिए अब बात करते हैं पांचवी टेक्निक की, जिसका संबंध आपके दिमाग और उसके डाउट से है। इसके लिए अगर आप ऐसा कीमती ज्ञान पाते रहते हैं जिससे आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके तो इस तरह का कीमती ज्ञान भी आपके सातों चक्रों को बैलेंस करता ही है, साथ ही आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने में मदद करता है। जैसे आपको लगता होगा कि ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, अंक ज्योतिष विज्ञान, साइकोलॉजी आदि ऐसे लोगों के किस काम के जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका स्पिरिचुअलिटी से सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि ये सब भी आपके ही बारे में बहुत से कीमती राज बताते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो इसलिए, माना कि आप इन सब चीजों में विश्वास ना भी करते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप अपने से जुड़े लोगों की भी गारंटी ले सकते हो कि वे भी आपकी तरह इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो जरूर करता ही होगा और आपको इसी दुनिया में रहकर सारे काम करने हैं। और जो आपके जैसा नहीं है, आप उसके माइंडसेट को कैसे सही से समझ पाओगे जब तक आपको हर चीज की डीप नॉलेज नहीं होगी? तो इसलिए आपको सही से सब कुछ जानने के लिए आपको इन सब के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में सही से जानने के बाद ही आपके दिमाग से इन सब चीजों के बारे में बनाए गए अंधविश्वास और डाउट्स दूर हो पाएंगे, जिनको आपसे या तो आज तक झूठ बोला गया या आपको आधा अधूरा ही बताया गया। क्योंकि जब भी किसी भी इंसान के सारे डाउट दूर हो जाते हैं तो वे जाने अनजाने में ही जीरो माइंड मेडिटेशन की अवस्था में पहुंच जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो उस समय जो खालीपन दिमाग में पैदा होता है उसको भरने के लिए इंसान की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर मजबूर हो जाती है और बड़ी आसानी से जागृत भी हो जाती है, और उसी के साथ साथ आपके सारे चक्र भी बैलेंस हो जाते हैं।
इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप इनमें से कोई सी भी टेक्निक अपने सातों चक्रों को एक साथ एक्टिव और बैलेंस करने के लिए प्रयोग कर सकते हो, या आप इन सब टेक्निक को एक साथ भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये सारी ऐसी टेक्निक्स है जो आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए आपके सातों चक्रों को एक्टिव और बैलेंस कर देगी और साथ ही आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने के लिए मजबूर कर देगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।